ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो जो रोज़ेदार हैं, आज जिन जिन ने रोज़ा रखा हुआ है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। और अल्लाह करे कि हमारा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे। अब तो बस चंद ही घंटे बचे हैं रोज़ा इफ्तार होने में, और पाकिस्तान में आई नो सुबह है रोज़ा, लेकिन सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, अल्लाह ताला हिदायत दें, हम सब ढेरों सवाब कमा सकें, रमज़ान के रोज़े रख सकें, बहुत सारी अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और अपने अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। तो जी यहाँ पे हो रही है फर्स्ट सहरी की तैयारी। हमारे पास इस दफ़ा रोज़ा बहुत छोटा है। मुझे तो यकीन नहीं आया जब मैंने कैलेंडर देखा, तो मुझे लगा ही नहीं कि इतने छोटे रोज़े हमारी ज़िंदगी में भी आने थे, हमारी किस्मत में भी इतने छोटे रोज़े थे रख रख के ना। अब तो इतनी आदत हो चुकी है। लंबे से लंबा जो रोज़ा था ना, वो था 10:30 बजे रोज़ा यहाँ पे इफ्तार होता था, जब फुल गर्मी के रोज़े थे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, सुबह भी तकरीबन 4 बजे से पहले ख़त्म हो जाता था टाइम, आई गेस 3:30 बजे तक ख़त्म हो जाता था टाइम, और रात के 10:30 बजे हमारा रोज़ा इफ्तार होता था। हमारे पास बस चंद ही घंटे बचा करते थे। लेकिन इस दफ़ा हमारा रोज़ा इफ्तार हो रहा है 7 बजने से चंद ही मिनट पहले, यानी कि जिस टाइम पे पाकिस्तान रोज़ा इफ्तार होता है, और जो रमज़ान के लास्ट दिन होंगे ना, उन दिनों में 1 घंटे का चेंज भी आ जाएगा, क्योंकि यूरोप का टाइम आप लोगों को पता ही है कि चेंज होता है मार्च में और अक्टूबर में। तो हमारा जो घंटा है ना, वो हो जाएगा पीछे मेरे ख्याल से, फिर हमारे और पाकिस्तान के टाइम में फ़िलहाल तो है 4 घंटे का फ़र्क, फिर 3 घंटे का फ़र्क आ जाएगा, और फिर थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन तब भी ये होगा कि हमारा रोज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे तक इफ्तार हुआ करेगा, जो कि बिल्कुल भी लंबा नहीं। और ठंड तो यहाँ पे शदीद है, क्योंकि अभी अभी भी मैं हीटर ऑन करके बैठी हुई हूँ, बिस्तर में बैठी हुई हूँ, इतनी शदीद यहाँ पे ठंड है। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट होगा ना रमज़ान इंशाल्लाह ताला, वो तो ज़्यादा इससे ठंड में ही होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी। हम दो ही रोज़ा रखने वाले हैं, मेरे हस्बैंड और मैं। मेरा जो मेरा दरमियान वाला बेटा है, वो तो अभी छोटा है, 7 साल का, लेकिन उसका भी इस दफ़ा रोज़ा रखवाएंगे। और जो बड़ा है मेरा बेटा, उसने स्कूल जाना, उस पर भी अभी रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए, छोटा ही है वो भी, लेकिन उसने लास्ट टाइम रमज़ान में भी मेरे ख्याल से कुछ रोज़े रखे थे, कोई 4-5 रखे थे। 7 साल की उम्र में ही हमने उसको पहला रोज़ा रखवा दिया था, और उसने लास्ट टाइम भी बड़ा ज़िद की थी कि मैंने पूरे रोज़े रखने, लेकिन हमने उसे मना किया। और स्कूल की तरफ से भी लेटर आता है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है और स्कूल में बच्चे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर जब बच्चे रोज़े रख के जाते हैं तो किसी को सर में दर्द हो रहा है, इस तरीके से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडी पे, तो टीचर की तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि लेटर आया था कि अगर मुमकिन है तो आप अपने बच्चों को, अगर आपके लिए पॉसिबल है, मतलब तरीके से उन्होंने बात की थी कि वीकेंड पे अगर हो सके तो अपने बच्चों को रोज़े रखवा लिया करें, क्योंकि स्कूल में ये इशू होता है, बच्चे इस तरह करते हैं। तो इस दफ़ा भी कोशिश यही है कि वीकेंड पे रखवाएं रोज़े, जिन दिनों में स्कूल जाना है तो उन दिनों में ना ही रखें तो बेहतर है, जब तक छुट्टी है। कोर्स जब फ़र्ज़ हो जाएंगे रोज़े, फिर तो जाहिर सी बात है रोज़े रखने ही रखने हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। हमने अपने बचपन से लेके अब तक रोज़ों के मामले में बहुत सख्ती देखी है, अपने पेरेंट्स को रोज़े रखते हुए स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए देखा है, तो वही चीज़ हम सब में भी है। कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ा, बिला वजह तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरे अबू जी, उन्हें भी मैंने कभी नहीं देखा रोज़ा उन्होंने कभी मिस किया हो, जितना भी मुश्किल काम हो, जिस तरह का भी काम हो, कैसी भी जॉब क्यों ना हो, रोज़े हमेशा रखने ही रखने, चाहे गर्मी की हो या सर्दी की हो। तो इसलिए थोड़ा सा ही नाश्ता, मतलब सहरी बन रही है, अंडे मैं बना रही हूँ और दो ही सिर्फ रोटियाँ बनी थी। अपने लिए मैंने फुलका बनाया था, हस्बैंड के लिए मैंने ऑफकोर्स पराठा बनाया था। और आज मैं 1 घंटा पहले टाइम लेकर उठी थी, हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि 1 घंटा बहुत ज़्यादा, तुम आधा घंटा लेकर उठो, तो मैंने कैलकुलेट किया कि आधा घंटा तो मुझे बनाने में लगेगा, फिर मैंने चाय भी पीनी होती है, वो भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैं खाना भी थोड़ा टाइम लेके ही खाती हूँ, मतलब कि मैं इतनी जल्दी नहीं खा सकती। तो मैंने दिल में सोचा कि आज मैं तो 5 मिनट नहीं लगाने, मैं बस बैठ ही रही होती हूँ तो उनका खाना पहले रखती हूँ, तो देखती क्या हूँ कि उनकी प्लेट खाली हुई पड़ी होती है। तो फिर मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सोचा कि आज मैं 4 बजे उठती हूँ, तो देखती हूँ कि मैं कितने टाइम तक काम जो है ना वो ख़त्म कर सकती हूँ, फिर मैं उस हिसाब से सुबह उठ जाऊँगी उतना ही टाइम लेके। लेकिन मुझे लगता है कि 4 बजे उठना ही मुनासिब रहेगा। आप लोगों ने बताना है कि आप किस सिटी से हैं और आपके सिटी में सहरी का आखिरी टाइम कौन सा है। हमारे पास 5:05 पर मेरे ख्याल से आखिरी टाइम था, उससे पहले तकरीबन 5 बजे ही मैं भी अपना खाना जो है ना वो ख़त्म कर चुकी थी। चाय मेरी लास्ट मैं पीती हूँ, वो भी उससे पहले ही मैंने ख़त्म कर ली थी।
इस टाइम अगर साथ में कोई नात लगी हुई हो, टीवी पे कोई रमजान ट्रांसमिशन लगी हुई हो, तो वो जो फीलिंग्स आती है ना, वो बड़ा अच्छा फील होता है। हमारे बचपन में मैंने जब भी हम उठा करते थे सहरी के टाइम, या जब नहीं भी रोजे रखते थे, बच्चे थे, तो अक्सर टीवी की आवाज आ रही होती थी और टीवी पे नात लगी होती थी जहे मुकद्दर। वो नात, दो तीन नातें थी ऐसी जो कि हमारे पेरेंट्स लगाया करते थे, जो हमें सुनाई देती थी। तो वो नाती अब इतनी वो माइंड में चीज बस चुकी है ना, वो मैं जब तक सुनू नहीं ना, तो अगर साथ नहीं चल रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि अनकम्प्लीट लगता है, ऐसे लगता है कि वो फीलिंग्स ही नहीं आ रही। पाकिस्तान में तो मस्जिदों की आवाजें होती हैं, अजानें होती हैं, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि इतना टाइम बचा है रोजे का टाइम खत्म होने में। और प्लस जो ढोल वाले, शहरों में तो मेरे ख्याल से ढोल वाले आते हैं, और हो सकता है कुछ गांव में भी ऐसा सीन हो। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, जो ढोल वाले जाते हैं दरवाजे के सामने ढोल बजा के तो वो जगाते हैं। तो उस तरीके से पता चलता रहता है कि पाकिस्तान में रोजे हैं। लेकिन रमजान में भी ना, आप यकीन करके, बहुत याद आती है पाकिस्तान की। ये चीजें हैं जो हम मिस करते हैं पाकिस्तान के बारे में, कि मतलब रौनकें होती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन आप यहाँ पेवजी सिटी में हम रहते हैं, तुर्किश कम्युनिटी काफी ज्यादा, तुर्किश स्टॉल लगाए हुए हैं इन्होंने, तो सारी रात यहाँ पे लोग अब जागा करेंगे। मस्जिद में इतना इन्होंने वो अफ्तार का इंतजाम किया होता है, इतना अरेंजमेंट किया होता है, जितने इनके रेस्टोरेंट्स से जो दिन को ओपन होते हैं, वो अब सारी सारी रात ओपन रहा करेंगे, लोग बाहर निकल के खाया पिया करेंगे। लेकिन क्या कि वो फिर इनके लिए तो वो वही सीन है, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलती। देखिए टाइम ख़त्म हो चुका है, नमाज भी मैंने पढ़ लिया, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी। ये थोड़ा इशू होता है कि सोते सोते 6 बज जाते हैं, और जैसे ही 7 बजे से पहले आपने उठ के बच्चों को स्कूल के लिए भेजना होता है, तो वो फिर आज नींद नहीं पूरी हुई। मैं कोई मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 घंटे ही आज सोई, रात को भी मुझे सोते सोते लेट हो गई थी, तो नींद भी नहीं पूरी हुई, जो कि मुझे लग ही रहा था कि नींद नहीं पूरी होगी। उसके अलावा मेरी आई थी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, मैंने डॉक्टर के पास जाना था आज, मैंने ब्लड देना था। फ्राइडे को भी मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मंडे को मुझे दोबारा आना पड़ेगा, आज लेट हो चुके, तो वो ब्लड लेंगे और कुछ चेकअप्स वगैरह करेंगे। तो आज फिर डॉक्टर के पास भी जा रही हूँ, अपॉइंटमेंट है मेरी 9:30 बजे की, मेरी अपॉइंटमेंट थी, और बारिश भी लगी है। आखिरी जो 2 दिन गुजरे हैं ना, तब धूप भी थी, टेम्परेचर 20-17 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था, 16 से 17 डिग्री के दरमियान था, और लग ही नहीं रहा था कि दोबारा से मौसम इस तरह का हो जाएगा या ठंड आएगी। फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान में से सर्दी खत्म हो गई, या तकरीबन यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठंड खत्म हो चुकी है। लेकिन नहीं, एकदम से वो 16-17 डिग्री से ड्रॉप होके टेम्परेचर जो है वो फिर 11 डिग्री पे आ चुका है, और फिर अच्छी खासी ठंड लगी हुई है। कोट के बगैर तो अभी तक भी आप बाहर नहीं निकल सकते, आपने शौकिया ही शॉर्ट्स पहने और मतलब कि हल्के आपने वो पहन के बाहर निकलना है। अच्छा, हो सकता है आप लोगों के माइंड में ये भी चीज़ आ रही हो कि मैं डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ, मुझे क्या इशू है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो इशू कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि मैं पाकिस्तान में थी, तब मुझे पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक तो आपको चक्कर आते हैं ना, आप जब वीकनेस होती है तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, और आपको ऐसे लगता है कि आप गिर रहे हैं, एक वो चक्कर होता है। ये मुझे वो चक्कर का इशू बना हुआ है, जब आप राउंड राउंड ऐसे चक्कर लगाते हैं ना, तो आपके वो दिमाग के अंदर जो आपको चक्कर आते हैं, और ऐसे होता है कि आपका दिल भी खराब हो रहा है, और आपको जैसे वोमिट आ जाएगी। तो मुझे ये वाला इशू बना हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे ये दिसंबर में पहली दफ़ा बना था, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मेरे साथ ऐसा होता है। और फ्राइडे को तो मुझे बहुत ज़्यादा था, सुबह जब मैं सो के उठी तब नहीं था, और उसके 1 घंटे के बाद मुझे ऐसे ही चक्कर आना स्टार्ट हो गए, तो फिर मुझे मजबूरन डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पहले तो मैंने लाइट लिए रखा, मुझे लगा कि नहीं इतना कोई नहीं है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने थोड़ी सी परेशानी जाहिर की, और जिस छोटे से पेज पे मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लिख के थी, साथ में कुछ उन्होंने कोई अपना कोड वर्ड भी लिख दिया कि एमरजेंसी में तुम्हें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे रही है, तब तुम आओगे तुम्हारा ब्लड लेंगे क्योंकि आज लेट हो चुकी है, वरना आज ही चेकअप होते। कुछ और भी थोड़ी बहुत बातें डिस्कस की, तो फिर उसी सिलसिले में आज मैं आई थी डॉक्टर के पास, अपना ब्लड दिया, फिर मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, जो कि मुझे उम्मीद था, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो, ऐसा होता है कि पूरा है, मेरा हमेशा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो ही होता है, आज भी मेरा ब्लड प्रेशर लो ही था, तो ब्लड भी दे दिया। अब मेरी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है ना, इंशाल्लाह ताला, वो है वेनसडे को, तो उस दिन फिर डॉक्टर ब्लड की रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो बाकी पता चलेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दुआओं में याद